हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस के तीन लॉ होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ को कवर कर चुके थे। आज हम लोग कवर करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जब कल हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो ये जो दो लॉ थे, ये मेंडल ने कंक्लूड करे थे कहाँ से? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। जो ये थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मेंडल ने कंक्लूड करा था कहाँ से? डाईहाइब्रिड क्रॉस से। तो हम भी पहले थोड़ा एक ब्रीफ लेंगे किसका, डाईहाइब्रिड क्रॉस का। तो देखिए, डाईहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब डाई मीन्स होता है दो। जब हम लोग दो कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं क्रॉसिंग के टाइम पे, तो उसको बोलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या था, इसमें मेंडल ने एक प्लांट लिया था राउंड येलो, मतलब ऐसा प्लांट लिया था जिसके सीड राउंड थे और येलो थे। एक ऐसा प्लांट लिया था जिसके सीड रिंकल थे और ग्रीन कलर था उनका। रिंकल मतलब जो जो सिकड़े हुए होते हैं। अब देखिए, ये क्या है, पेरेंट है ये, इनके लिए इनके क्या वो इनका क्या कहते हैं, जीन क्या था इनका, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, क्रॉस कराया इनको, तो जब इन्होंने इनको क्रॉस कराया तो इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, यहाँ पे गैमेट बनते हैं कैपिटल आर वाई, यहाँ पे बनते हैं कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जब यहाँ पे क्रॉस कराया था इनने, तो क्या मिला था, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो एफ वन प्रोजेनी में इनको जो प्लांट्स मिले थे, वो सारे प्लांट्स कैसे थे, उन सारे प्लांट्स के जो सीड थे वो कैसे थे, राउंड एंड येलो। ठीक है, तो F1 प्रोजेनी में जो प्लांट्स आए थे, वो सारे के सारे प्लांट्स के जो सीड्स थे वो कैसे थे, राउंड थे और येलो थे। क्यों थे ये हमें पता है, क्यों, क्योंकि ये राउंड और येलो, राउंड शेप और येलो कलर क्या है, डोमिनेंट है। तो देखो यहाँ पे एक कैपिटल आई एक कैपिटल वाई है, तो ये क्या है, डोमिनेंट है, जिसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। इसलिए एफ वन प्रोजेनी में सारे के सारे कैसे हैं, राउंड एंड येलो प्लांट्स। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग कराई इन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस में। सेल्फिंग का मतलब जो एफ वन प्रोजेनी प्लांट्स आए थे उनको आपस में क्रॉस करा दो। तो एफ वन में हमें ये मिले थे, इनको क्रॉस करा रहे हैं आपस में, क्रॉस कराएंगे, गैमेट्स बनेंगे यहाँ पे, यहाँ पे गैमेट बनते हैं, यहाँ पे गैमेट फैंड ज्यादा बनते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो चार गैमेट यहाँ, चार गैमेट यहाँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए फ्रेंड्स, हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब जब दो ट्रेट्स लेते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो एलील है वो शेप वाले एलील है, शेप के एलील है जो शेप बताते हैं, ये जो एलील है ये क्या है, ये सीड का कलर बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दो ट्रेट हैं और ये दो ट्रेट्स के एलील है, एक ये पेयर एक ये पेयर, ये पेयर है शेप वाला, ये पेयर है कलर वाला। अब देखिए, जब गैमेट बने, जब गैमेट बने तो ये जो एलील थे शेप वाले, ये इंडिपेंडेंटली, मतलब इंडिपेंडेंटली ये किसी के भी साथ जाके गैमेट बनाया। देखो ये वाला एलील था, इसने इसके साथ भी गैमेट बनाया, इसके साथ भी गैमेट बनाया, देखो एक ये और एक ये। ठीक है, अब ये वाला जो था, इसने इसके साथ भी गैमेट बनाया, इसने इसके साथ भी गैमेट बनाया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट मतलब कोई इसमें रोक नहीं है, ये किसी के भी साथ जाके गैमेट बना रहा है। फ्रेंड्स, इससे होता क्या है, अब देखिए फ्रेंड, जो F1 में जो प्लांट आए थे, हमने उसकी सेल्फिंग कराई, तो सेल्फिंग कराने के बाद हमें F2 जनरेशन में क्या मिले थे, कौन से प्लांट्स मिले थे हमको F2 जनरेशन में। देखिए, F2 जनरेशन में हमको प्लांट्स मिले थे, F2 में कौन कौन से प्लांट मिले थे हमको, पहले मिले थे
राउंड येलो, ये कितने मिले थे 9, फिर मिले थे क्या राउंड ग्रीन, ये कितने थे 3, फिर मिले थे रिंकल येलो, ये भी थे 3, फिर मिले थे रिंकल ग्रीन, ये भी ये थे 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो F2 जनरेशन में हमें प्लांट्स मिले थे कितने, राउंड येलो मिले थे, राउंड ग्रीन मिले थे, रिंकल येलो मिले थे और रिंकल ग्रीन मिले थे। तो फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या फायदा हुआ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये फायदा हुआ, ये देखो ये एक पेयर है एलील का और ये एक पेयर है, तो ये एक पेयर एलील का किसी दूसरे एलील के पेयर के साथ इंडिपेंडेंटली जाके गैमीट बना रहा है। तो इससे क्या हुआ, हमने तो प्लांट लिए थे कैसे राउंड एंड येल्लो, शुरुआत हमने कहां से करी थी डायहाइब्रिड क्रॉस में, राउंड येल्लो प्लांट लिए थे और रिंकल ग्रीन लिए थे, पर हमें एफ टू जनरेशन में क्या क्या मिला, राउंड येल्लो और रिंकल ग्रीन तो मिले, उसके साथ साथ हमें दो नए तरह के प्लांट्स मिले, राउंड ग्रीन और रिंकल ग्रीन, रिंकल येल्लो। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये देखिए एक पेयर ऑफ एलील है, ये दूसरे पेयर ऑफ एलील के साथ आराम से जाके इंडिपेंडेंटली गैमीट बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग एक डेफिनेशन बाय इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है इसका, देखिए इसका स्टेटमेंट है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन वन पेयर ऑफ ट्रेट, एक पेयर ऑफ ट्रेट क्या था एक पेयर ऑफ ट्रेट, अरे शेप, वन पेयर ऑफ ट्रेट सेग्रीगेट फ्रॉम अनदर पेयर ऑफ ट्रेट। एक पेयर था एली, एक पेयर था ट्रेट का कौन सा, शेप वाला, और एक पेयर था कौन सा, कलर वाला। तो एक पेयर दूसरे पेयर से अलग हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है। ठीक है, ट्रेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाता है। अब फ्रेंड्स इससे होता क्या है, दिस गिव राइज, ये क्या करता है, दिस गिव राइज ईच पेयर ऑफ ट्रेड a fair chance of expression। ठीक है, होता क्या, देखिए गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो एक पेयर था यहां पे, देखिए फ्रेंड्स ये एक पेयर था, ये एक पेयर था, ठीक है, तो ये एक पेयर एक पेयर, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अलग होके गैमेट बना लेते हैं। देखो एक ये गैमेट बना था, तो देखो ये एक दूसरे से अलग हो गई, ये वाले एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और इससे होता क्या है, दिस गिव ईच पेयर ऑफ ट्रेड फेयर चांस ऑफ एक्सप्रेशन। इससे क्या होता है, हर ट्रेड जो जितने भी ट्रेड है वो सारे के सारे एक्सप्रेस हो जाते हैं। देखो हमने शुरुआत करी थी किससे, राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन सीड वाले प्लांट से, पर एफ टू जनरेशन में डाइहाइब्रिड क्रॉस की एफ टू जनरेशन में हमको दो और नए तरह के प्लांट्स मिले थे, ऐसे प्लांट्स मिले थे जिनके सीड कैसे थे, राउंड
ग्रीन एंड रिंकल येलो। तो डायहाइब्रिड क्रॉस की एफ टू जनरेशन में जो हमें नए तरह के प्लांट्स मिलते हैं, नए तरह के सीड्स मिलते हैं, वो किसकी देन है? वो इसी की देन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।